एक बार की बात है, अभय नाम का एक युवा लड़का एक गांव में रहता। वह पढ़ा लिखा था और आसपास के इलाकों में कारोबार करता। उसके परिवार में उसके माता पिता, पत्नी और एक प्यारा बेटा था, लेकिन वह अपने जीवन से खुश नहीं था। उसे हर बार जीवन में एक नई समस्या का सामना करना पड़ता और वो उन समस्याओं से हमेशा चिंतित रहता और दिन रात उन समस्याओं के बारे में ही सोचता रहता। एक बार एक संत उसके गांव के बाहर 100 ऊंटों के कारवां के साथ आए और उन्होंने वहां कुछ दिनों के लिए रहने का फैसला किया। जल्द ही आसपास के गांव में चर्चा होने लगी कि संत लोगों की समस्याओं का समाधान कर देते हैं। गांव के लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास पहुंचने लगे। अभय को भी जब इस बात का पता चला तो उसने भी संत के दर्शन करने का निश्चय किया। अभय जब वहां पहुंचा तो वहां सैकड़ों लोगों की भारी भीड़ थी। काफी देर तक इंतजार करने के बाद संत से मिलने के लिए अभय की बारी आई। उसने संत से पूछा, महापुरुष, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूं। हर समय समस्याएं मुझे घेरे रहती हैं। कभी बिजनेस की टेंशन होती है, कभी फैमिली की प्रॉब्लम होती है और कभी अपनी हेल्थ को लेकर टेंशन रहती है। कृपा करके ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे मेरे जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएं और मैं सुख से रह सकूं। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा आज बहुत देर हो गई है, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर कल सुबह दूंगा, पर क्या तुम मेरे लिए एक छोटा सा काम करोगे? अभय संत के लिए कार्य करने को तैयार हो गया। संत ने कहा, बेटा हमारे काफिले में 100 ऊंट हैं, उनकी देखभाल करने वाला आज बीमार पड़ गया है और मैं चाहता हूं कि आज तुम उनकी देखभाल करो। बस ये सुनिश्चित करना कि सभी ऊंट बैठ जाएं और आराम करें। जब सब ऊंट बैठ जाएं तब तुम भी जाकर सो जाना। और ये बोलकर संत वहां से चले गए। सुबह हुई और संत ने अभय से पूछा, मुझे उम्मीद है कि पिछली रात तुम्हें अच्छी नींद आई होगी। अभय ने दुखी होकर उत्तर दिया, नहीं, मैं एक पल के लिए भी नहीं सो सका। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं सभी ऊंटों को बैठा नहीं पाया। संत मुस्कुराए और बोले, मुझे पता था कि ऐसा ही होगा। तुमने कल रात अनुभव किया होगा कि तुम कितनी भी कोशिश करो, सारे ऊंट एक साथ नहीं बैठे होंगे। अगर एक तरफ के ऊंट बैठे हैं तो दूसरी तरफ के ऊंट खड़े हो जाते होंगे, और कुछ ऊंटों को तो बैठाने में तुमने बहुत कोशिश की होगी पर वो नहीं बैठे होंगे। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, और यदि तुम अब देखो तो बहुत से ऊंट जो तुम्हारे बहुत प्रयास करने के बाद भी नहीं बैठे थे, अब अपने आप बैठ गए हैं। और फिर संत ने अभय को समझाया, प्रॉब्लम्स ऊंट की तरह होती हैं, कुछ प्रॉब्लम अपने आप हल हो जाती हैं, कुछ प्रयास करने पर हल हो जाती हैं और कुछ प्रॉब्लम पूरी कोशिश करने के बाद भी हल नहीं होती। ऐसी समस्याओं को हमें समय पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सही समय आने पर यह समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। हम जब तक जिएंगे ये समस्याएं आती रहेंगी, कभी कम तो कभी ज्यादा। ये समस्याएं हमारे जीवन का एक हिस्सा है। दोस्तों, ये कहानी हम सब की जिंदगी की कहानी है। अगर आपको भी ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपने विचार मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।